शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार दर्शकों। दर्शकों, जैसा कि सभी जानते हैं कि सोमवार के दिन इस वार सोमती अमावस्या पड़ रही है। ऐसे में आप अपने घर में धन की कमी को दूर करने के लिए और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये छोटा सा उपाय करना बिल्कुल न भूलें। जिनके पितर प्रसन्न होते हैं उस घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है, उस घर के सदस्यों का जीवन हमेशा खुशहाल होता है। यदि पितर नाराज होते हैं तो उनके वंश हमेशा कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। जिन लोगों का घर संतानहीन होता है उनके घर में पितृ दोष लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से उनको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। ऐसे में सोमती अमावस्या के दिन ये छोटा सा उपाय करना बिल्कुल न भूलें। यदि आप सोमती अमावस्या के दिन पितरों का अनादर नहीं करते हैं, पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनको जल और अन्न देते हैं, यानी कि उनको तर्पण करते हैं, तो वे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। सोमती अमावस्या के दिन गाय, कौवा, कुत्ता आदि को भोजन कराना चाहिए, इससे आपके पितरों को अंश प्राप्त होता है। सोमती अमावस्या के दिन किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। साथ ही सोमती अमावस्या के दिन पिंडदान, श्राद्ध आदि करना चाहिए और आपके तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध दान आदि की प्रतीक्षा करते हैं। जब उनको वो प्राप्त होता है तो वे दुखी नहीं होते हैं और आपको श्राप भी नहीं देते हैं और आपको हमेशा सुख और शांति भरा जीवन जीने की आशीर्वाद देकर जाते हैं। अगर अमावस्या के दिन जो मनुष्य अपने घर में मांस मदिरा का सेवन या तामसिक पदार्थों का सेवन करता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती है। अगर आप अपने घर में माँ लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो सोमती अमावस्या के दिन किसी भी नदी या तालाब के पास एक मिट्टी का दीपक लेकर उसमें सरसों का शुद्ध तेल भरकर और रुई की लंबी बनाकर दक्षिण दिशा की तरफ जलाकर आए। अगर आपके आसपास कोई भी नदी तालाब नहीं है तो आप इस दीपक को अपने घर में पानी की टंकी के पास ऊपर छत पर रखकर भी जला सकते हैं। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। दर्शकों, उम्मीद है आज की ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।